विद्यार्थी का इस वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। नौवीं कक्षा की पूरक पठन में ए सखी ये कविता जो है उसे हम परिचित करेंगे। इसकी विधा है मुकरिया। मुकरिया का मतलब है पहेलिया। अभी विधा का मतलब क्या है कि जैसे हमारे गद्य में निबंध होता है, कहानी होती है, वैसे कविता में भी अलग अलग विधाएं होती है। मुकरिया यानी पहेलिया। पहेलिया यानी क्या कि जिसे हम कहते हैं मराठी में कोड़। इसके कवि है अमीर खुसरो। अभी अमीर खुसरो इनका जन्म 1253 मृत्यु 1325 में हुई। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। अभी हम इसे अमीर खुसरो के नाम से ही परिचित है। ये गजल ख्याल कव्वाली रुबाई इन्होंने लिखी। हिंद का तोता इन्हें कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। अभी खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली क्या हम आज जो हिंदी बात करते हैं उसे खड़ी बोली कहते हैं। उसके पहले उसमें संस्कृत प्राकृत वगैरह ऐसे कहा जाता था, लेकिन ये जो आपकी अभी जो बातें करते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है। तो उसके प्रथम सूफी कवि है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी तो आपको पता ही होगा कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी इनको यानी जौहर के लिए उन्होंने उकसाया। यानी उनको चित्तौड़ की महारानी के सौंदर्य से वो बहुत पागल हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने के लिए उनको हासिल करने के लिए लिया था। तो उनके दरबार में ये अमीर खुसरो थे। इन्होंने उससे परे भी किया, युद्ध ना करो और ऐसे काम मत करो ऐसे कहा भी था, लेकिन उनके सौंदर्य के पीछे अलाउद्दीन खिलजी बहुत पागल हो गए थे। इनके गुरु यानी अमीर खुसरो के गुरु थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। इनकी कब्र यानी ये जब गए अमीर खुसरो तो उनकी मृत्यु जब हुई तो इनकी कब्र दिल्ली में निजामुद्दीन में है। हर साल यहाँ उरूस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे मुकरिया। मुकरिया यानी पहेलिया। मुकरिया ये बहुवचन है, मुकरी कहते हैं और पहेली यानी एक होता है, एक वचन होता है। तो यहाँ इस कविता में 9 मुकरिया है इसलिए उसे मुकरिया बहुवचन कहा है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा देना होता है। आमिर खुसरो जी ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलिया एवं उनके उत्तर दिए हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे कि पहेलिया, पहेलिया ने मराठी में क्या कहते हैं, कोड़। ये लोक प्रचलित उनकी मुकरिया बहुत प्रचलित है जिसका लक्ष्य मनोरंजन। मनोरंजन क्या यानी हम कभी कभी हमारा वक्त बिताने के लिए जो खेल खेलते हैं, तो पहले के जमाने में ऐसे पहेलियां एक दूसरे को डाला जाता था तो मनोरंजन भी होता था और बुद्धि चातुर्य यानी दिमाग भी चलता था। तो बुद्धि चातुर्य की भी परीक्षा होती थी यानी सवाल पूछा जाता था, उस सवाल के द्वारा हमें उत्तर ढूंढना होता था। तो अमीर खुसरो जी ने ऐसी बहुत सारी मुकरियां लिखी और यही मुकरियां हमें ए सखी इस पूरक पठन के काव्य में देखना है। अपनी विशेष शैली उन्होंने इस यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो हम देखेंगे तो रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अभी यहाँ पर क्या कहा है कि रात समय वो मेरे आवे, रात के समय में वो मेरे पास आता है, आवे यानी आता है। भोर भये वह घर उठ जावे, भोर यानी सुबह, सुबह होते ही वो अपने घर चला जाता है। यह अचरज सबसे न्यारा सबसे अलग है, अचरज यानी आश्चर्य की बात है। तो उसकी जो सहेली है यानी दो सखियों में वार्तालाप है, ये दो सखियों का वार्तालाप है। उसने उसकी सहेली कहती है इसका जवाब साजन है क्या, तुम्हारे पति आते हैं क्या रात को और वो सुबह होने के बाद चले जाते हैं, आश्चर्य की बात है क्या उसके लिए। तो बोला नहीं, ये तारा है, तारा जैसे अंधेरा होने पर आसमान में आता है चमकता है और जैसे सुबह उजाला होता है वैसे वो आसमान से चला जाता है, इसलिए उसे तारा कहा है। वो साजन नहीं है वो तारा है, ऐसे उसने कहा। अभी दूसरी मुकरी देखो। वह आवे तब शादी हो, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अभी यहाँ पर भी वो फंस गई है,
उसने साजन ही जवाब दिया है, वह आवे तब शादी होए, उसके आने पर शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, और वह शादी ही नहीं, वही ही सबसे प्रमुख होता है। उसके बिना दूजा है ना, उसके बिना कोई दूसरा नहीं होता। मीठे लागे वाके बोल, वाके यानी उसके, उसके बोल मीठे लगते हैं। तो वो साजन नहीं है तो शादी और कोई फंक्शन हो उस समय ढोल हमें लगता है, ढोल के बिना शादी होती नहीं है। तो गाना बजाना तो होता ही है, शादी के दो दिन पहले ही गाना बजाना होता है, तो ढोल तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बिना शादी होती नहीं है। और उसके जो बोल होते हैं, उसके जो ताल होता है वो मीठे लगते हैं, तो वो साजन नहीं है, वो सखी ढोल है, ऐसे कहा है। तीसरी मुखलिया हम देखेंगे तो यहाँ पर, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अभी यहाँ पर भी वो फंस गई है, उसने फिर से कहा है, साजन है क्या, तुम्हारे पति है क्या? तो बोला नहीं, ये लोटा है। अब ये लोटा कैसे है? जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मुझे पानी चाहिए, जल यानी पानी, तब वो भरकर लाता है, लोटे में पानी भरकर आता है। मेरे मन की तपन बुझावे, मन यानी मेरा मन उससे तृष्ट होता है, तपन यानी आग बुझती है, प्यास जो लगी होती है वो बुझ जाती है। मन का भारी तन का छोटा, तन यानी शरीर, उसका शरीर छोटा है, लोटे का शरीर, लोटे का शरीर यानी लोटा छोटा है, लेकिन उसमें जो पानी है तो उससे मेरे मन की शांति हो जाती है, मेरी तपन बुझ जाती है। तो उसकी सहेली ने कहा कि साजन है क्या, तब उसने ना कहा कि लोटा है, उसका जवाब क्या है, लोटा है। यानी ये प्रश्न पूछा है सहेली ने, उसका जवाब बोलती है तो सखी उसके जवाब साजन देती है, और बार बार वो गलत उसका जवाब देती है और उसका जवाब अलग ही निकलता है। लगता तो है साजन जैसा कि साजन हो गए, लेकिन वो साजन नहीं होता है तो दूसरा होता है, तो वो लोटा है। बाद में चौथी देखेंगे, मुकरी। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार, सोवत ही जगावे, मैं जब सोती हूँ तो बार बार मुझे जगाती है। अभी हम कभी सोते हैं तो हमें आवाज के कारण कभी नींद नहीं खुलती, लेकिन कई मक्खी या मच्छर हमारे शरीर पर बैठता है तो हमारी नींद खुल जाती है। वैसे ही मुझे वो नींद में जगाती है, कौन, मक्खी। ना जागो तो काटे खावे, अगर मैं जाग ना पाऊ, उसे हटा ना पाऊ, तो मुझे वो चुभन देती है, काटती है, और मैं व्याकुल होती है, हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित हो जाती है, अगर मैं उसे नहीं वहां से हटा दू तो मैं व्याकुल हो जाती है। तो ये साजन नहीं है, यानी ये साजन मुझे आकर जगाता नहीं है, काटता नहीं है, और उसके देखकर मैं आश्चर्यचकित नहीं होती है, तो ये मक्खी है। तो मक्खी कहाँ है उसने, तो मक्खी वो उसकी सहेली समझ ही नहीं पाई, वो सखी उसके सामने उसके साजन ही आते थे। ऐसे कहकर उसने चौथी मुकरी भी उसने गलत जवाब दे दिया। अब हमने देखेंगे उसके पांचवी मुकरी क्या है। सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग का मतलब क्या है, रंग बिरंगी, यानी बहुत सुंदर रंग है, सुरंग, रंग यानी रंग, सु यानी अच्छा। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अभी हमारा इतना सुंदर रंग है, उस रंग को देखकर हम खुश हो जाते हैं, सुरंग यानी अच्छा रंग, सुंदर रंग, उस रंग को देखकर, रंग रंगीलो उसके रंग को देखकर मैं खुश हो जाती है। हे गुणवंत बहुत चटकीलो, चटकीलो का मतलब क्या, चमकीला, गुणवंत है, उसे जैसे सिखाया जाता है वैसे वो बात करता है, चमकदार है। राम भजन बिन कभी ना सोता, हमेशा राम 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 कहता है और उसके बिना वो कभी सोता नहीं है, उसके मुंह में हमेशा राम होता है। तो उसे लगा, उसके सहेली को लगा, ये शायद साजन ही होगा, अब तो मेरा इन्हें जवाब सही होगा, तो तभी भी उसका जवाब गलत ही आ गया। तो वो सखी तोता है, उसका रंग कैसा है, हरा,
उस रंग को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती है। हरा भरा रंग है, लाल चोंच है, गले में काला पट्टा है। ऐसे रंग रंगीला तोता देखकर मैं बहुत खुश हो जाती है। और वो चमकदार है, उसके पंख चमकीले है और हमेशा मीठी बातें करता है। राम भजन के बिना वो सोता नहीं है। क्यों सखी साजन, ना सखी तोता, यानी यहाँ पर भी वो गलत हो गई। अब देखेंगे अगली मुकरी में वो तो सही हो जाती है क्या नहीं। अर्धनिशा वह आयो भोर, अर्धनिशा वो आयो भोर, सुंदरता बरने कवि कोर, निरखत ही मन भयो आनंद। क्यों सखी साजन, ना सखी चंद। अर्धनिशा, निशा यानी क्या, रात, आधी रात को वह आता है। भवन, भवन यानी भवन, भवन यानी हमारा महल या घर, सदन हम कह सकते हैं। तो आधी रात को वो आता है। उसे सहेली को लगा आधी रात को कौन आएगा, साजनी तो आएगा। सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी सुंदरता को देखकर कवि भी ललचाता है, सर कवि को भी उसकी कल्पना करने लगती है, यानी काव्य करने को मन करता है। यानी ये उसकी सखी जो है ऐसे सोचती है, निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही आनंद मन में आ जाता है। लेकिन इसने कहा नहीं, ये चांद है, चंद कहा है, चंद इसका मतलब है चांद। रात जब होती है, आधी रात जब होती है, तब चांद आता है, भवन में आता है, यानी खिड़की के माध्यम से, जो कवाड़ खुले होते हैं उसके माध्यम से चांद का प्रकाश, चांद सामने दिखाई देता है। और उसके सुंदरता से कवि भी पागल हो जाते हैं कि सुंदरता कवि का पहला, यानी उसमें हर काव्य में सुंदरता दिखाने के लिए चांद का इस्तेमाल किया जाता है। और चांद पर बहुत से कवियों ने काव्य लिखा है। उसे निरखत, यानी चांद को जैसे जैसे हम देखते हैं तो मन में आनंद आता है। हम देखते हैं कि कहानी में, काव्य में जहाँ देखो वहां चांद का उल्लेख होता ही है। हम कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा से हम परिचित है। हम जब छोटे होते हैं तभी भी हमको पहले मामा, चंदा मामा के नाम से, यानी चांद से हमको परिचित किया जाता है। देखो चांद, देखो वो चंदा मामा है ऐसे। और उसके काव्य भी है, उसके गाने भी है, बहुत सारे है। तो ये चांद जो है वो अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी आधी रात को आता है, भवन में आता है, खिड़कियों के माध्यम से आता है, दिखाई देता है। और उसकी सुंदरता देखकर यानी कभी भी फूले नहीं समाते, फूले नहीं समाते का मतलब बहुत खुश हो जाते। उसको निरखते निरखते मन भयो आनंद, मन में बहुत आनंद आता है, आनंद यानी आनंद। तो ये यहाँ पर भी उसकी सखी जो है उसने गलत जवाब दिया है, फिर भी यानी उसका जवाब क्या था, चांद था। इस तरह से उसने यानी छो मुकरियों का जवाब गलत दिया है। अब देखें सातवीं मुकरी पर उस सही देते हैं क्या नहीं। शोभा सदा बढ़ावत हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन। क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। यहाँ पर भी तुम गलत कर गई है। अभी शोभा सदा बढ़ावत हारा, हमेशा यानी बढ़ावत यानी बढ़ाता है, आखिन से छिन होत न न्यारा, आखिन यानी नयन यानी हमारी आंख, न न्यारा यानी दूर नहीं होता, छीन यानी एक क्षण भी दूर नहीं होता, मेरे आंखों की शोभा बढ़ाता है। अभी आंखों की शोभा बढ़ाता है, आंखों से जरा भी दूर नहीं होता, और उसके कारण मेरे आंख न्यारे यानी बहुत सुशोभित दिखते हैं। आठ पहर, पहर यानी तीन घंटे का एक पहर होता है। अभी आठ पहर कहे हैं, इसका मतलब 24 घंटे, यानी पूरा दिन। एक पहर यानी कितना, 3 घंटा। तो आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर यानी 24 घंटे मेरे आंखों में वो रहता है, उसके कारण मेरे नयन सुंदर दिखते हैं। क्योंकि सखी साजन, तो ये साजन नहीं है, तो ये सखी अंजन है। अंजन यानी काजल, काजल के बिना आंखें यानी कैसी सुनी लगती है। काजल, हम उसको काजल डालते हैं जब आंखों में, तो हमारी आंखें भी सुंदर लगती है। और उसने कहा, क्या कहा, कि मेरे आंखों में ये आठों प्रहर रहता है, 24 घंटे रहता है। उसके लगाने से मेरी आंखें बहुत सुंदर लगती है, आंखों की शोभा भी बढ़ती है। इस बार भी उसकी सखी फंस गई। उसने साजन के नाम से उसे कहा कि तेरे पति होंगे, कि तुम्हारे पति के आने से शोभा बढ़ती है,
वो आपका तारा होगा तुम्हारे, यानी आंखें से छीन नहीं, आंखों के सामने तुम्हारे वो पति रहते हैं, आठों प्रहर यानी 24 घंटे तुम्हारा मनोरंजन कर ले। तो उसे साजन लगा, लेकिन इसका जवाब क्या था? अंजन। अंजन यानी क्या? काजल। अब देखेंगे अगली पहर मुकरी। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे चिनक में ही की वीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। धीरे धीरे वो अभी उदास होते जा रही है कि इतने बार मैंने साजन साजन उसके पति के बारे में कहा, पति ही होंगे उसका जवाब, लेकिन निकलता नहीं है। इसलिए धीरे से, क्यों सखी साजन ना सखी नीर, जीवन सब जग जासो कहे। जीवन यानी जिसे पूरा जीवन कहा जाता है, पानी को हम जीवन कहते हैं, पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, यानी पानी यानी जीवन ही है। सब जग जासो कहे, पूरी दुनिया जो है उसे कहती है, वा बिनु नेक न धीरज रहे, वा बिन उसके बिना यानी कोई भी नेक यानी तनिक भी धैर्य नहीं रहता। पानी नहीं मिलता है तो हमें धीरज नहीं रहता, यानी पानी होने पर हमारी प्यास भी बुझती है। हरे छिनक में यह की भीड़, हरे छिनक में यह की भीड़, यह यानी हृदय, किया का मतलब क्या? हृदय, हृदय की पीर, पीर यानी पीड़ा। हर प्यास बुझते ही, हर एक घूंट लेते ही हमारी हृदय की पीड़ा भी हल्की हो जाती है, यानी हृदय को तसल्ली मिलती है पानी पीने पर। क्यों सखी साजन, साजन नहीं है वो, तो वो नीर है। नीर यानी क्या? पानी, यानी पानी जो है वो हमारा जीवन है। पूरी दुनिया जानती है कि पानी के बिना कोई भी नहीं चल सकता, कोई भी जीवित व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता। पेड़ पौधा हो, मछलियां हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, कोई भी हो, पानी के बिना जी नहीं सकता। और पानी की प्यास जब बढ़ती है तो वो सामने जब आता है तो धैर्य खो बैठते हैं, धीरज ही नहीं रहता, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हरे छिनक में यह की पीड़, हमारे हृदय की पीड़ा भी उससे हल्की हो जाती है। तो ये नीर है, तुम हमेशा पलने फंस जाती हो, साजन साजन कहती हो, लेकिन ये साजन नहीं है, तो ये अलग है। यानी तो उसका बुद्धि चातुर्य को देखना चाहती है मुकरियों के द्वारा, लेकिन उसकी सखी वहां पर कम हो जाती है। अब देखेंगे अंतिम जो है हमारी नौवी मुकरी। बिन आए सभी सुख भूले, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब भूले, सीरा भई दगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बिन आए सब ही सुख भूले, अभी बिन आए सब ही सुख भूले, बिना आए ही सब सुख भूल जाते हैं, उसके न आने से हमारे सब सुख भूल जाते हैं। ऐसे उसने अपने सहेली से कहा कि वो ऐसे एक चीज है, एक व्यक्ति कहो या कुछ भी कहो, कि वो नहीं आते हैं तो हमारे हमें सुख नहीं होता, पर जब वो आता है तो अंग अंग सब फूले, तो हमारा अंग रोमांचित हो जाता है, यानी बहुत अंग में खुशी हो जाती है, फूले नहीं समाते, खुश हो जाते। सीरा भई लगावत छाती, हम उसे सिर से लगाते हैं, छाती से लगाते हैं, उसे दिल से लगाते हैं, क्यों सखी साजन है वो, अब तो कहो ना साजन है क्या? तो नहीं, ये पाती है। अब ये पाती, पाती यानी हमें पर्ण की भी पाती कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्र है, सुखद पत्र। बिन आए सभी सुख भूले, जब हमारे यानी प्रियजनों के पत्र नहीं आते हैं, पत्र नहीं आते हैं तो हम सब सुख भूल जाते हैं। तो ये पत्र नहीं आने के कारण सब जब इन्हें सुख भूल जाते हैं, सुखी नहीं हो पाते, लेकिन वो पत्र जब आता है तब पूरे शरीर में आनंद छा जाता है। आए ते अंग अंग सब फूले, आने पर इन्हें क्या होता है, पूरे अंग में इन्हें हम फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाते। सीरा भई लगावत छाती, उसे कहाँ कहाँ लगाओ, सिर से लगाते हैं, छाती से लगाते हैं, क्यों भई अपने प्रियजन का पत्र आ गया या अपने मित्र का पत्र आ गया, अपने पति का पत्र आ गया, तो उसे सिर से लगाते हैं, चूमते हैं, छाती से लगाते हैं, यानी ये जो है ये प्रियजनों का पत्र है, पाती
यानी यहाँ पर एक सुखद संदेश है। तो इस तरह से उसने अपने सहेली से यानी दोनों सहेलियों का वार्तालाप हो रहा है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का बुद्धि चातुर्य देखने के लिए ये मुकरिया कही है। ये मुकरी जो है वो हमें पहेलियों की तरह से पहेली भी कह सकते हैं, मराठी मध्ये कोड़ो म्हणतात। तो ये मुकरी जो है अपने सहेली को पूछी, सहेली बार बार यहाँ पर नौ मुकरिया है, मुकरिया नौ है इसलिए मुकरिया, एक होती तो मुकरी, तो नौ मुकरिया कही है। लेकिन उसकी सहेली बुद्धि चातुर्य नहीं दिखा पाई, हर बार अलग 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 उसके उत्तर मिले। सखी तो नाराज हो गई थी लेकिन एक खुश थी कि अपनी सखी खुश है इसके कारण, तो वो अपने सखी के सुख में भी वो खुश हो गई। तो इस तरह अमीर खुसरो जी ने अलग अलग बहुत सारी मुकरियां लिखी, हमारे पास सिर्फ नौ है। तो ये ए सखी, ये जो पूरक पठन पद्य रूप में है, ये अमीर खुसरो की देन है। उनके साथ हम इस पहेलियों से वाकिफ हो गए, इस मुकरियों के कारण हम यानी मुकरियों के साथ हम वाकिफ हो गए। यानी मुकरिया क्या है हम अभ्यास क्रम में देखें तो हमें पता चलना चाहिए कि मुकरिया, हाँ पहेलिया, पहेलिया कहे तो मनोरंजन का साधन है। जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं कोड़ो घल तो एक निकाना, वैसे ये मुकरिया है। पहले के जमाने में मनोरंजन का साधन तो वही था। तो ये एक दूसरे ने दोनों सहेलियों का ये वार्तालाप है। हमें अमीर खुसरो जी ने इस ए सखी के माध्यम से इस पहेलियों से परिचित किया है। उनकी बहुत सारी पहेलियां है, आप चाहे तो संदर्भ देख सकते हैं। अमीर खुसरो के नाम से अगर हम सर्च करें तो बहुत सारी पहेलियां मुकरियां दिखेंगे। तो आपको बहुत खुशी होंगी कि अलग अलग मुकरियां, यहाँ तो हमने नौ मुकरियां पढ़ी, वहां तो बहुत सारी मुकरियां, तो आपको पढ़ने में भी आनंद आ जाएगा कि उसका उत्तर क्या है, कि हम सोच भी नहीं पाते कि यह उसका उत्तर होगा। इस तरह से अमीर खुसरो जी ने हमारे अभ्यास क्रम में ये ए सखी यानी अभ्यास क्रम में अमीर खुसरो जी का ए सखी पूरक पठन पद्य लाने से हम मुकरियों से वाकिफ हो गए। अमीर खुसरो जी और अभ्यास क्रम, इसके लिए हम यानी धन्यवाद दे सकते हैं। तो इसलिए हम ध्यान रहे कि ये पूरक पठन है, पद्य है, फिर भी बार बार पढ़ने से हमें इसके जवाब मिल जाते हैं। ये नौ है उसके छोटे छोटे जो आपको शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ाते समय कहे, तो अच्छी तरह से पहले कविता जाकर यानी अपने पाठ्य पुस्तक में क्रमांक 19 उस पर यानी कविता अच्छी तरह से पढ़े, जहाँ जहाँ कठिन शब्द है वही पर आपके अंत लिखे। थोड़े शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे शब्द मैंने अभी पढ़ाते समय कहे वो आपको वहां पर लिख कर यानी पेंसिल से लिख कर रखो, यानी जब भी कविता पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले हमेशा कविता पढ़ते समय या पाठ पढ़ते समय परिचय, कवि का या लेखक का परिचय पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कुछ मैंने पढ़ाया आपके समझ में आया होगा ऐसे मुझे उम्मीद है, और अगले घटक तक हम विराम लेंगे। धन्यवाद।